जानती हो तुलसी, आज घर के सारे लोग कितने खुश हैं। कई दिनों बाद सारे लोग इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। बुआ, मेरी तो हमेशा से कोशिश रही है कि घर के सारे सदस्य खुश रहे, मिलजुल कर रहे, लेकिन भाभी भाभी, ये सिद्धि विनायक के फूल है भाभी। मैंने जैसे ही ये खुशखबरी सुनी, मैं सिद्धि विनायक चला गया भाभी, और वहां से ये फूल लाया हूँ भाभी। ये बच्चे के सर पे टिका दीजिए भाभी, उसे कभी बुरी नजर नहीं लगेगी भाभी। कांग्रेचुलेशंस, आज आपकी वजह से मैं दूसरी बार मौसी बनी हूँ। इस खुशी में आप खाइए मिठाई थोड़ी सी। बीटा खाने में भी कंजूसी, मोटी हो गई हूँ बाबा। प्रज्ञा जी, आप भी खाइए। मैं तो खूब सारी खाऊंगी। अरे पूरा डब्बा खा लीजिए। आप भी खाइए। दिस इज अ हॉस्पिटल, आई एम सॉरी, बट मैं दूसरी बार मौसी बनी हूँ, शी इज माय भांजी। आप भी खाइए। लेकिन कैसे, तू सुबह से थी कहाँ? पूछे मत, मैं बहुत बिजी थी। मैं न्यू बॉम्बे में थी जब मुझे खबर मिली, लेकिन जैसे ही खबर मिली मैं निकल ली, लेकिन इतनी एक्साइटेड थी कि एक स्टेशन पहले ही उतर गई। एक स्टेशन पहले उतरी, फिर वहां से ट्रेन पकड़ी दादर के लिए। लेकिन दादर और अंधेरी की ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी, दादर से टैक्सी ली और सीधे हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी। फिर याद आया मिठाई तो ली ही नहीं थी। वहां पर एक रिक्शे वाले से पूछा, भाई साहब आप स्टेशन चलेंगे? उन्होंने मना कर दिया। क्या करती, चलते हुए स्टेशन तक गई और फिर यहाँ पर मिठाई लेकर आई हूँ। पगली, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कमाल है। अरे मैं मौसी बनी हूँ, इसको सेलिब्रेट नहीं करूंगी मैं। अच्छा तुम दोनों बहनें जी भर कर बातें करो, हम चलते हैं। ओके तुलसी, टेक केयर, बाय बाय किस, बाय आंटी, चलो रघु जी। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, घर में सब लोग बहुत खुश हैं, और सबसे ज्यादा खुश हैं जीजू, उन्होंने ही मुझे खबर दी थी। सभी खुश हैं सिवाय आरती के। केसर भगवान ये दिन मुझे न दिखा कि अगर आरती को दिखा था तो सबसे ज्यादा खुश मैं होती। आरती, तुम तैयार नहीं हो अभी तक? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुलसी भाभी से मिलने जाना है। ओके? मुझे नहीं जाना। नहीं जाना क्यों यार? ये तो कोई बात नहीं हुई, सुबह भी तुम हॉस्पिटल नहीं चली और अभी भी मना कर रही हो यार, घर वाले क्या सोचेंगे? मुझे घर वालों की कोई परवाह नहीं है। जब गौतम खो गया था तो इन्हीं लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। मैं तुलसी भाभी से सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो मुझे गौतम के बारे में पूछेंगे, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे गौतम के बारे में कुछ भी पूछे। आरती, डोंट बी सिली यार, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम क्या जिंदगी भर घर वालों से नाराज रहोगी? ठीक है, मैं मानता हूं तुम घर वालों से नाराज हो, लेकिन तुलसी भाभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा। किरण, मुझे तुलसी भाभी से कोई शिकायत नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उन्हें और उनके बच्चे को देखूं, लेकिन किरण, अगर मैं वहां गई तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे दया की नजर से देखे। दीदी, गोद में उठा लो। बिल्कुल नहीं, बड़ी मुश्किल से सुलाने की कोशिश करें। मेरे गोद में सो जाएगी। नहीं केसर, प्लीज दे। नाना नहीं। ओ महारानी जी, आप जाग रही हैं? जीजू को उठाने दिया, मुझे नहीं, मुझे दीजिए। हमारी बेटी, थैंक यू जीजू। सो क्यूट। दीदी आप बहुत मीन हो, जीजू को उठाने दिया ना, आपसे तो नाराज हुई, इससे भी। मेरे गोद में इतना रोती है, पापा की गोद में तो कभी नहीं रोती। पापा की लाडली जो है, यस। दो दिन मेरे साथ में रहेगी, मेरी भी लाडली हो जाएगी। तुम्हारी लाडली बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज अपनी तरह बातू नहीं मत बनाना। हाउ मीन, आपका मतलब है मैं बातू नहीं हूँ, बड़बड़ करती रहती हूँ? नहीं नहीं केसर, तुलसी का मतलब ये है कि तुम सिर्फ बातू नहीं हो,
तुम बहुत ज्यादा बातूनी हो। हाँ, मीन। पर भैया द पॉइंट इज इंसान ज्यादा बात करे तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। अरे भाई उससे जॉ लाइन बनती है, आवाज खुलती है ना भाभी। ये हुई ना बात, चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। भैया मैं भी चलता हूँ, लेट तो मैं भी हो रहा हूँ। तो विक्रम एक काम करना, तुम केसर को ड्रॉप कर देना क्योंकि मैं रात भर यहीं पे रहूंगा, ठीक है? ओके भैया, नो प्रॉब्लम। अच्छा जीजू आप यहाँ पे रात में रुक रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बातें कर करके मेरी दीदी को परेशान मत कीजिएगा। डोंट वरी मैडम, आई विल डेफिनेटली फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड दैट्स द पॉइंट। यस आई गॉट इट। आराम से। ओके बाय भाभी, ऑल द बेस्ट। बाय भैया, बाय बाय, टेक केयर द किड, बाय। अरे ये तो सो गई।